हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल गणेशाय वर्ल्ड। दोस्तों, आज की वीडियो में हम हैबर विधि पढ़ेंगे, अमोनिया निर्माण की हैबर विधि पढ़ेंगे। ये दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट विधि है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों, इसमें पहले हम इसके सिद्धांत को समझेंगे कि इसका सिद्धांत क्या है। इसके बाद दोस्तों, इस विधि का हम प्रयोग समझेंगे कि इस विधि को हम प्रयोग कैसे कर सकते हैं, कैसे इस विधि का प्रयोग करके हम अमोनिया का निर्माण करेंगे, है ना। तो पहले मैं इसको पूरा समझाऊंगा, क्लियर करूंगा। इसके बाद दोस्तों, मैं इसकी थ्योरी को क्लियर करूंगा, थ्योरी को बताऊंगा, ठीक है। तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अमोनिया निर्माण की हैबर विधि, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों, सबसे पहले हम इसका सिद्धांत समझेंगे, ठीक है। तो क्या होता है दोस्तों, अमोनिया निर्माण की हैबर विधि में हम एक आयतन नाइट्रोजन लेते हैं। क्या? एक आयतन नाइट्रोजन लेते हैं, N2, एक आयतन, ठीक है। हम ऐसा कह सकते हैं कि एक अणु हम नाइट्रोजन का लेते हैं और तीन आयतन हाइड्रोजन को लेते हैं। कितना? तीन आयतन हाइड्रोजन को ले सकते हैं, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं तीन अणु हम हाइड्रोजन के लेते हैं, ठीक है। जब हम एक आयतन नाइट्रोजन और तीन आयतन हाइड्रोजन को संयोग कराते हैं तो हमें अमोनिया गैस प्राप्त होती है। कौन सी गैस प्राप्त होती है हमें? अमोनिया गैस प्राप्त होती है। लेकिन दोस्तों, इस जो ये अभिक्रिया आपको दिख रही है, ये अभिक्रिया एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। अब उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब ये दोनों ओर चलने वाली अभिक्रिया है, इधर से इधर की ओर भी चलती है और इधर से इधर की ओर भी चलती है। तो ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है एवं यह है एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब दोस्तों ये है कि ये जो अभिक्रिया है ये ऊष्मा को उत्पन्न करती है, ऊष्मा उत्सर्जित करती है। और दोस्तों ये जो अभिक्रिया है ये 2400 क्या 2400 कैलोरी ऊष्मा को उत्पन्न करती है। कितना? 2400 कैलोरी जो ऊष्मा है उस ऊष्मा को उत्पन्न करती है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि ये जो अभिक्रिया है वो एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, मतलब ऊष्मा को ये अभिक्रिया उत्सर्जित करती है, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है दोस्तों, इसके कारण क्या होता है, जो अमोनिया बनती है उस अमोनिया के आयतन में कमी हो जाती है। क्या बोला मैंने? ये एक उत्क्रमणीय और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है, जिसके कारण जो अमोनिया हमें प्राप्त होती है इस अमोनिया के जो आयतन है उस आयतन में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। और हमें अमोनिया के आयतन में कमी नहीं चाहिए, हमें अमोनिया की अधिक से अधिक मात्रा प्राप्त करनी है, हमें अधिक से अधिक मात्रा प्राप्त करनी होती है। लेकिन इसमें, इस प्रक्रिया में अमोनिया के आयतन में क्या हो जाती है? कमी, मतलब अमोनिया की मात्रा हमें कम प्राप्त होती है। तो हमें अमोनिया की अधिक मात्रा चाहिए है, इसलिए हम क्या करते हैं दोस्तों, इस अभिक्रिया को, जो आपको ये अभिक्रिया दिख रही है, इस अभिक्रिया को उच्च दाब पर, क्या बोला मैंने? उच्च दाब और कम ताप पर कराते हैं। इस अभिक्रिया को उच्च दाब और कम ताप पर कराते हैं। क्यों कराते हैं? क्योंकि देखो, हमें पहले इसकी अमोनिया की जो है ना वो कम मात्रा प्राप्त हो रही थी, है ना। तो हमें अमोनिया की अधिक मात्रा प्राप्त करना है, इसलिए हम इस अभिक्रिया को उच्च दाब और कम ताप पर कराते हैं। तो हमें अमोनिया की अधिक मात्रा प्राप्त होगी, हमें अमोनिया की क्या? अधिक मात्रा प्राप्त होगी। समझ में आपको आया? लेकिन अभी इसमें भी लेकिन लगा है। अब वो लेकिन क्या है? लेकिन क्या होता है दोस्तों, यहां पर हमने ताप लिया है कम, ताप लिया है हमने कम, तो इस कम ताप पर क्या होता है, जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया की जो गति होती है, अभिक्रिया की जो दर होती है, वो दर हो जाती है मंद। अब दर हो जाती है मंद। अब हमें यहां पर अमोनिया की अधिक मात्रा तो प्राप्त होगी, लेकिन अभिक्रिया की जो गति है वो गति कैसी हो जाएगी? मंद हो जाएगी। तो अब इस स्थिति में क्या करें? तो हमें दोस्तों अभिक्रिया की जो गति है वो भी तेज चाहिए, वो भी हमें अभिक्रिया की दर है ना वो भी तीव्र चाहिए, ताकि जो अभिक्रिया है वो तीव्र वेग से संपन्न हो जाए और अधिक मात्रा हमें प्राप्त हो।
तो इस स्थिति में क्या करते हैं, तो इस स्थिति में हम दोस्तों क्या करते हैं, जो अभिक्रिया है उस अभिक्रिया को हम आयरन उत्प्रेरक, आपने उत्प्रेरक पढ़ा है, जो अभिक्रिया की दर को क्या बढ़ा करता है, बढ़ा देता है। तो हम क्या करते हैं, इस अभिक्रिया को आयरन उत्प्रेरक और मॉलीब्लेडनम, क्या, मॉलीब्लेडनम उत्प्रेरक वर्धक। अब उत्प्रेरक वर्धक भी पता है आपको, जो उत्प्रेरक की दर को बढ़ा देता है उसे हम क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक वर्धक। ठीक है, तो हम ये अभिक्रिया आयरन उत्प्रेरक और मॉलीब्लेडनम उत्प्रेरक वर्धक की उपस्थिति में कराते हैं, जिससे अभिक्रिया की जो दर है वो तीव्र भी हो जाती है और जो हमें अमोनिया है वो अमोनिया अधिक भी, अमोनिया की जो मात्रा है वो अधिक भी प्राप्त हो जाती है। तो हम कैसे कैसे करते हैं उसको मैं एक बार और समझा रहा हूं, उसको आप क्लियर से समझिएगा। ठीक है, देखो क्या बोला मैंने दोस्तों, आप इसको मैं पहले पूरा हटा दे रहा हूं, इसको मैं पूरा हटा दे रहा हूं। ठीक है, चलो इसको मैंने पूरा क्लियर कर दिया, हटा दिया। ठीक है, देखो हमें अगर अमोनिया विधि से, सॉरी हैबर विधि से अमोनिया प्राप्त करना है, तो उसके लिए हमें एक आयतन नाइट्रोजन और 3 आयतन हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है। जब हम एक आयतन नाइट्रोजन और 3 आयतन हाइड्रोजन का संयोग कराते हैं तो हमें अमोनिया गैस प्राप्त होती है। समझ में आपको आया? ठीक है, लेकिन जो अभिक्रिया है, ये जो अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया उत्क्रमणीय है, मतलब ये दोनों दिशाओं में चलती है, इस दिशा में भी और इस दिशा में। और ये जो अभिक्रिया है वो अभिक्रिया एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, मतलब ये ऊष्मा को उत्सर्जित करती है, ये ऊष्मा को उत्सर्जित करने वाली अभिक्रिया है। और ये कितनी ऊष्मा को उत्सर्जित करती है, ये 2400 कैलोरी ऊष्मा को उत्सर्जित करती है। ठीक है, तो ये उत्क्रमणीय और ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होने के कारण यहां से जो अमोनिया हमें प्राप्त होती है उस अमोनिया के आयतन में कमी हो जाती है, लेकिन हमें तो अमोनिया की अधिक मात्रा प्राप्त करनी है। अब अधिक मात्रा प्राप्त करनी है तो इस अभिक्रिया को हम क्या करते हैं, उच्च दाब और कम ताप पर कराते हैं। इस अभिक्रिया को हम उच्च दाब और कम ताप पर कराते हैं। ठीक है, तो हमें अमोनिया की अधिक मात्रा प्राप्त हो जाएगी, किंतु क्या होता है, कम ताप पर, जो कम ताप होता है उस कम ताप पर अभिक्रिया की जो गति होती है, अभिक्रिया की जो दर होती है वो मंद हो जाती है। तो ऐसा भी नहीं चाहिए, हमें अभिक्रिया की जो गति है वो तीव्र चाहिए। क्या चाहिए, तीव्र चाहिए। तो इस स्थिति में हम क्या करें, तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं दोस्तों, इस अभिक्रिया को आयरन उत्प्रेरक और मॉलिब्लेडनम उत्प्रेरक वर्धक की उपस्थिति में कराते हैं। तो हमें जो अभिक्रिया की जो सॉरी अमोनिया की जो मात्रा है वो अधिक भी प्राप्त हो जाती है और जो अभिक्रिया की दर है वो तीव्र भी हो जाती है, क्योंकि आयरन और मॉलिब्लेडनम जो उत्प्रेरक और उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करते हैं, जिससे जो अभिक्रिया की दर है वो बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम अमोनिया को हैबर विधि में प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों मैं जो मैंने आपको समझाया, जो क्लियर किया है सिद्धांत को, उसी सिद्धांत की मैं थ्योरी पहले दिखा रहा हूं, इसके बाद हम विधि पर पहुंचेंगे, इसका प्रयोग समझे कि इसको प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं। दोस्तों ये इसके सिद्धांत की थ्योरी है, जो मैंने आपको समझाया है वही चीज, बिल्कुल एक एक शब्द वही है। ठीक है, हैबर विधि द्वारा एक आयतन नाइट्रोजन व 3 आयतन हाइड्रोजन के संयोग से अमोनिया गैस प्राप्त की जाती है, किंतु यह एक उत्क्रमणीय तथा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसलिए अमोनिया के आयतन में कमी हो जाती है। इसलिए इस अभिक्रिया को उच्च दाब एवं निम्न ताप पर कराया जाता है, किंतु निम्न ताप पर इसकी गति मंद हो जाती है, इसलिए इसे आयरन उत्प्रेरक व मॉलिब्लेडनम उत्प्रेरक वर्धक की उपस्थिति में कराया जाता है, जिससे अभिक्रिया तीव्र वेग से संपन्न हो जाती है और अमोनिया की अधिक मात्रा प्राप्त हो जाती है। एक एक चीज वही है मैंने जो समझाया है। इसके बाद दोस्तों जो रासायनिक समीकरण है, ये रासायनिक समीकरण है जो मैंने आपको बताया वही चीज है। ठीक है, इसमें हमें, इस प्रक्रिया में हमें 2 आयतन अमोनिया के प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसमें 2400 कैलोरी ऊष्मा उत्सर्जित होती है। तो ये इसका सिद्धांत और ये इसका रासायनिक समीकरण। अब इसके बाद दोस्तों मैं आपको इसका प्रयोग बता रहा हूं, इसकी प्रयोग विधि को आपको समझा रहा हूं कि इसको प्रयोग कैसे किया जाता है। दोस्तों यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब हम इसका दोस्तों प्रयोग समझते हैं कि इसका क्या प्रयोग
ठीक है, बहुत अच्छे से बहुत आराम से समझाऊंगा, क्लियर करूंगा, आप उसको समझना, ठीक है। चलो तो दोस्तों ये इसका डायग्राम है, पहले मैं इस डायग्राम में बताता हूं क्या क्या है। तो दोस्तों इसमें आपको ये दिख रहा है, ये दोस्तों ये नली है और इसमें ये दो प्रवेश द्वार हैं, जिसमें से एक में से हम नाइट्रोजन को प्रवाहित करते हैं और एक में से हाइड्रोजन को प्रवाहित करते हैं। ये दोस्तों एक पंप है ना, और ये संपीड़क पंप है। यहाँ से दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यहाँ से आ रही होती हैं, उन पर दाब लगाया जाता है, ठीक है। और ये दाब दोस्तों 200 से 800 एटीएम तक का दाब लगाया जाता है इस पर, ठीक है। अब ये निर्बाध पंप से एक नली और जुड़ी है, और ये नली का जो संपर्क है दोस्तों एक कक्ष से है। ये एक कक्ष है जिसको हम बोलते हैं उत्प्रेरक कक्ष। कौन सा कक्ष है? उत्प्रेरक कक्ष। और एक कक्ष और है ये दोस्तों, इसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग कक्ष। मतलब ये इसमें क्या होता है दोस्तों, यहाँ से हम ठंडा जल भेजते हैं और ठंडा जल जो है ना, अमोनिया और जो गैसें आ रही होती हैं उनके संपर्क में आता है और यहाँ से गर्म होकर निकल जाता है। मतलब ये एक फ्रीजिंग का काम करता है, ठंडा कक्ष है ये, ठीक है। चलो यहाँ पर दोस्तों ये अमोनिया एकत्रित हो जाती है। अब जो यहाँ पर जो गैसेस बच जाती हैं है ना, वो गैसें यहाँ से आती हैं और यहाँ से इन पंप द्वारा, इस पंप द्वारा, इस संपीड़क पंप द्वारा, और उस गैस पर दाब लगाया जाता है और उस गैस को यहाँ से प्रवाहित होकर यहाँ पर भेजा जाता है, ठीक है। तो ये दोस्तों चित्र का वर्णन है, अब मैं इसका प्रयोग बता रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आप इसका प्रयोग समझो, इसकी विधि क्या है उस विधि को समझो, ठीक है। चलो क्लियर करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, वायु, किससे? वायु से एक आयतन नाइट्रोजन लेते हैं। वायु से एक आयतन हम क्या लेते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं। और वाटर गैस CO+H2, CO+H2 ये वाटर गैस है। इस वाटर गैस से हम हाइड्रोजन को लेते हैं। एक सबसे पहले हमने क्या किया दोस्तों, वायु से एक आयतन को नाइट्रोजन लिया और वाटर गैस से तीन आयतन हाइड्रोजन को लिया, ठीक है। और इन दोनों को 1:3, देखो एक इसका तीन इसका, 1:3 में मिलाकर इसको हम क्या करते हैं, इसको मिलाकर हम संपीड़क पंप द्वारा, यहां से इसको मिला देते हैं और संपीड़क पंप द्वारा हम इसको दाब लगाते हैं। संपीड़क पंप द्वारा इस पर हम क्या लगाएंगे, दाब लगाएंगे, ठीक है। और इसके पश्चात, दाब लगाने के पश्चात जो गैस है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इनको हम एक उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं। ये जो दोस्तों है वो उत्प्रेरक कक्ष है। इस कक्ष पे आयरन उत्प्रेरक और मॉलिब्लेडनम उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करता है। जो ये कक्ष होता है, इस कक्ष का ताप रहता है 450 से 500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब यहां से यहां पर देखो, अब यहां से यहां तक कौन कौन आया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आ गया, ठीक है। अब ये यहाँ पर इस कक्ष में आ गए। अब इस कक्ष में क्या होगा दोस्तों, ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में संयोग करेंगे और आपस में संयोग करके अमोनिया का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे, अमोनिया का निर्माण करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पूरा हाइड्रोजन और पूरा नाइट्रोजन अमोनिया का निर्माण नहीं करता। इसमें क्या होता है, कुछ मात्रा नाइट्रोजन की और कुछ मात्रा हाइड्रोजन की शेष बच जाती है। देखो कुछ तो अमोनिया का निर्माण हो जाएगा, लेकिन कुछ मात्रा इन दोनों की क्या होगी, शेष बच जाती है ना। तो अमोनिया और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की जो शेष मात्रा बची है, वह है इस नली के द्वारा कहाँ पर जाती है, एक ठंडे वाले कक्ष में जाती है, एक दूसरे कक्ष में जाती जाती है। तो क्या होता है दोस्तों, इस कक्ष में जाती है तो यहाँ से ठंडा जल प्रवाहित किया जाता है, तो इस ठंडे जल के कारण जो अमोनिया होती है, देखो यहाँ से अमोनिया आ रही है, तो वो अमोनिया होती है, वो अमोनिया ठंडी होकर नीचे एकत्रित हो जाती है। जो आपको ये दिख रही है ये अमोनिया की मात्रा है, ठीक है। ये ठंडी हो जाएगी अमोनिया और यहाँ पर एकत्रित हो जाएगी। समझ में आपको आया? ओके अब अमोनिया तो ये एकत्रित हो गई, अब हमारे पास बचा क्या, तो हमारे पास दोस्तों क्या बचा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, जो यहां से शेष मात्रा जो इसकी आई थी वो बचा, ठीक है। तो इस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को हम फिर से क्या बोलते हैं, इस कक्ष में भेजते हैं, इस संपीड़क पंप में भेजते हैं। तो इस संपीड़क पंप द्वारा इस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को फिर से संपीड़ित किया जाता है,
फिर से इस पर दाब लगाया जाता है 200 से 800 एटीएम का, ठीक है। तो दाब लगाने के बाद फिर से हम इस नली के द्वारा इसको फिर से हम उसी उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं, इस उत्प्रेरक कक्ष में, ठीक है। तो यहां से फिर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के सहयोग से अमोनिया का निर्माण होता है। अगर कुछ थोड़ी बहुत शेष मात्रा इसकी बच जाती है तो ये फिर से जाती है और यहाँ से अमोनिया एकत्रित यहाँ पर हो जाती है, तो जो शेष मात्रा है फिर से यहाँ आती है और फिर से यहाँ आ जाती है। मतलब जब तक कि पूरा नाइट्रोजन और पूरा हाइड्रोजन अमोनिया का निर्माण नहीं कर देता, तब तक ये जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया चलती रहती है। और जैसे ही अमोनिया का पूरा निर्माण हो जाएगा तो ये प्रक्रिया अपने ही आप स्वतः बंद हो जाएगी। और दोस्तों, जो अमोनिया हमें जो प्राप्त होगी, उस अमोनिया को इस चोटीदार नली की सहायता से हम प्राप्त कर लेंगे। यहाँ से हम दोस्तों इस अमोनिया को निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों हम इस अमोनिया को प्राप्त करते हैं। एक बार मैं जल्दी से फिर से समझा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम दोस्तों क्या करते हैं, वायु से हम एक आयतन नाइट्रोजन और वाटर गैस से 3 आयतन हाइड्रोजन को लेते हैं और इनको 1:3 में मिलाकर संपीड़क पंप द्वारा दबाते हैं, मतलब इसको दाब लगाते हैं। दाब लगाने के पश्चात इन दोनों को, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को, एक उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं जहां पर आयरन और मॉलिब्लेडनम उत्प्रेरक और उत्प्रेरक वर्धक होते हैं और इस कक्ष का ताप 450 से 500 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन संयोग करके अमोनिया का निर्माण करती हैं और कुछ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की शेष मात्रा बच जाती है जो अमोनिया के साथ दूसरे कक्ष में जाती है। तो यहाँ पर जो अमोनिया है वो ठंडी होकर नीचे बैठ जाती है और शेष नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को फिर से संपीड़क पंप द्वारा दाब लगाया जाता है और फिर से इसको उत्प्रेरक कक्ष में भेजा जाता है। ये प्रक्रिया चलती रहती है जब तक कि पूर्ण नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अमोनिया में परिवर्तन नहीं हो जाता। तो दोस्तों ये इसकी विधि है ना, और ये इसका डायग्राम है जो मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद दोस्तों इसकी जो थ्योरी है वो स्क्रीन पर आएगी, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, ये इसका डायग्राम है। और दोस्तों हाँ, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो में मजा आया है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, है ना। आप यदि नए व्यूअर हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों लोगों को भी शेयर करें ताकि उन लोग का भी फायदा हो। अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।